चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बदलाव का दौर जारी है। सरकार और संगठन में कई बदलाव किए गए हैं। इस बीच महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद फूलो देवी नेताम ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद कई तरह की अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, इसके बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं आपको बता दें, फूलो देवी नेताम पिछले 7 सालों से महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज थी। हालांकि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था। ऐसा माना जा रहा है कि फूलो देवी नेताम ने कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वयं से महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया है। फूलो देवी नेताम जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में पिछले 7 सालों से लगातार महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रही हैं। सांसद फूलो देवी नेताम ने महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष नट्टा डिसूजा को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा भेज दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसूजा को पत्र लिखकर सांसद फूलो देवी नेताम ने कहा है कि मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मैं सभी प्रदेश की महिला कांग्रेस की महिलाओं की आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इतना प्यार और सहयोग दिया। फूलो देवी नेताम ने पत्र लिखकर कहा कि महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में मैंने 7 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए अब मैं इस्तीफा दे रही हूं, जिससे कि महिला कांग्रेस में काम कर रही अन्य महिलाओं को भी मौका मिल सके।